नमस्कार साथियों, आज देखिए मित्रों, दो तीन बातें, एक पेपर लीक, एक जो डीपीसी होनी है उसके बारे में, और साथ में साला दर्पण पर नया अपडेट क्या मिलने वाला है, क्या आपको सौगात देने वाली है सरकार, इस विषय पर आज के वीडियो में अच्छे से जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। सबसे पहले खबर, 2005 से जितनी भी भर्तियां हुई हैं, ये देखिए यहाँ पर प्रत्येक भर्ती में पेपर लीक हुआ साथियों। अब देखिए बहुत बड़ी खबर है ये, 2005 से जितनी भी भर्तियां हुई हैं सभी में पेपर लीक हुआ है। ये हमारा कहना नहीं है बल्कि उन पेपर लीक कर्ताओं के मुख से ये आवाज निकली है। उन्होंने कबूल किया है कि जितनी भी भर्तियां हुई हैं हमने पेपर लीक करवाया है, और प्रत्येक जिले में उनके व्यक्ति जो भी रखे गए थे उन्होंने अच्छे से इसको अंजाम दिया है। पूरी जानकारी देखते हैं साथियों, ये बहुत ही बड़ा धोखा है जो तैयारी करते हैं उन विद्यार्थियों के साथ में। मास्टरमाइंड का दावा, 2005 से लगभग हर परीक्षा में हमने सेंध लगाई है, संदेहास्पद मानते हुए क्या सभी परीक्षाओं की जांच होगी? ये सवाल है साथियों सरकार के सामने। 19 साल में आरपीएससी चयन बोर्ड की 1029 भर्तियां हुई हैं और 10 साल में सिर्फ 12 प्रमुख परीक्षाओं के ही पेपर लीक माने गए हैं। बड़ा सवाल है साथियों, इन्होंने कहा है कि 2005 से हमने प्रत्येक भर्ती में पेपर लीक किए हैं, और लीक कितनों को माना है? 12 भर्तियों को। कुल कितनी हुई हैं? 1029। तो ये अपने आप में एक सवाल है साथियों, बहुत बड़ा धोखा है तैयारी करने वाले साथियों के साथ में। आरपीएससी की साल दर साल हुई भर्तियां, ये इतनी भर्तियां हैं 2004-05 से लेकर के 2023 तक, 12 परीक्षाएं लीक मानी हैं वो भी दे रखी हैं। बहुत से विद्यार्थी जो ज्वाइन किए हैं उन पर भी सवाल या निशान बनता है साथियों, क्योंकि जो परीक्षाएं संदेह के घेरे में हैं उन पर लगे हुए व्यक्तियों पर भी सवाल अवश्य लगते हैं। इसके अलावा देखिए, पहली बार नए नियमों के अनुसार की जाएगी डीपीसी। नए नियमों के अनुसार शिक्षा विभाग इसकी तैयारियों में जुट गया है। प्राध्यापकों की 3 साल की बकाया डीपीसी जल्द होगी, जल्द होगी साथियों। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। नए सन में 17,000 स्कूलों को मिलेंगे 21,000 लेक्चर्स। डीपीसी होने से नई वैकेंसियां जल्द मैदान में होंगी साथियों, तो ये खबर निकल कर आई है आज। और इसके अलावा साला दर्पण के सिटीजन विंडो लिंक पर मिलेगी स्कूल स्टाफ की पूरी जानकारी। सिटीजन विंडो की सुविधा, सरकारी स्कूल में प्रवेश से पहले घर बैठे ले सकेंगे विषय और शिक्षकों की जानकारी। तो ये भी शानदार खबर है। साला दर्पण पोर्टल पर अपडेट रहेगा पूरा डेटा, कौन सा विषय कौन पढ़ाएगा, खेल मैदान है या नहीं, ऐसी जानकारियां आपको तुरंत मिल सकेंगी, जिससे आप ये जान पाएंगे कि कौन सा विषय कौन शिक्षक पढ़ा रहा है, कितने शिक्षकों की इस विद्यालय में कमी है। तो जानकारी अभाव में आप उस विद्यालय में अच्छे से अपडेट रहेंगे। तो ये दो तीन खबरें आज दैनिक भास्कर में प्रकाशित हैं और आपके लिए अति आवश्यक भी हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे साथियों, जानकारियाँ पसंद आएँ तो लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ में शेयर कर दें, जिससे प्रत्येक छात्र तक ये सूचनाएं पहुंच सकें। आज के लिए बस इतना ही साथियों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।